हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस दो कोड़ी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो यह वाला वीडियो खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले आप इस मैसेज को देखिए। अगर यह वाला मैसेज आपके मोबाइल पे हर महीने आ रहा है तो आपके बैंक से पैसा कट रहा है भाई साहब। तो ये वाला मैसेज है क्या वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल पे हर महीने आ रहा था। मैंने बैंक में जाके ये मैसेज पता किया तो उन्होंने बताया मेरे को ये वाली स्कीम आपके खाते से कनेक्ट की गई है। तो वो वाली स्कीम का नाम, पहले तो मैं आपको स्कीम का नाम बता देता हूँ, क्या स्कीम है ये। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आप 18 से लेके 40 तक की एज के जितने भी इंसान हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं, स्कीम में जमा करवा सकते हैं। स्कीम के 60 साल की स्कीम है ये। 60 साल तक आपको पैसा जमा करवाना है, 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी भाई साहब। तो ये वाली स्कीम है, 60 साल तक जमा करवाओ फिर 3,000 रुपये महीने की पेंशन पाओ। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं ये वाली स्कीम हटाना चाह रहा हूं। हटाने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, हटाने का ये वाली स्कीम कोई प्रोसेस ही नहीं दे रखा। स्टार्ट कर दी बट उसको बंद करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ये क्यों कह रहा हूं इस स्कीम को बंद करने का प्रोसेस नहीं है वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज अगर स्टार्ट की जाती है ना तो सबसे पहले उसका बंद करने का प्रोसेस बनाया जाता है। कुछ भी चीज स्टार्ट होती है तो उसको बंद करने का प्रोसेस सबसे पहले बनाया जाता है, वरना तो ये धमाल मूवी वाला ही काम हो रहा है। आपने अगर धमाल मूवी देखी हो, वो पायलट साहब जब पी के टल्ली होके गिर जाते हैं तो वो सीखते हैं ना, हमें जहाज उतारना सिखा दो। अरे उतारने से पहले उड़ाना सिखाया जाता है। वही वाला काम इसमें हो रहा है भाई साहब, हमें तो उतारना सिखा दो, उड़ा तो लिया हमने, हमने क्या पता नहीं कैसे कैसे वैसे उड़ गया। मैंने मेरे को पता भी नहीं कैसे ये मेरे साथ हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके साथ भी ये वाली घटना हो रही है ना तो ये वाला वीडियो आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैंने ना कस्टमर केयर से कॉल किया, कस्टमर केयर से कॉल किया मैंने, जो ये स्कीम लागू है ना इनका एक कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उसकी उनकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। सबसे पहले ना उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप। हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें, फॉर इंग्लिश। अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक डायल करें। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9 डायल करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे एजेंट से स्थानांतरित कर रहे हैं। इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज किया जाएगा। नमस्कार, प्रधानमंत्री योजना में आपका स्वागत है। मैं प्रिया, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, मैं जी नमस्ते सर, बोलिए। मैम ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है ना मैम, मानधन योजना, इसमें मेरा अकाउंट है मैम, वो मैं क्लोज करना चाहता हूँ। जरूर सहायता की जाएगी। जानकारी देने से पहले मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जी मैम, मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं जींद से बात कर रहा हूँ मैम, जींद हरियाणा से। कृष्ण लाल जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी आपको बंद करना है, असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये पॉलिसी आप क्यों बंद करना चाहते हैं? बस मैम एक टाइम जब कलवा ली थी, अभी बस को कुछ फैमिली रीजन है मैम, नहीं करना चाहती ये वाली। ओके, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। असुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगी। जैसे कि आपको हम कहना चाहेंगे सर कि गवर्नमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, बंद करने का जो प्रोसेस है अपडेट नहीं हुआ है, इन प्रोसेस में है, नवंबर तक आ जाएगा। जैसे प्रोसेस आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद आपका पॉलिसी बंद करके जितना पैसा आज तक डेबिट हुआ है विद इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंडेबल आ जाएगा, ठीक है? वैसे मैम ये वाली स्कीम किसने चलाई है मैम? क्षमा चाहेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया हुआ पॉलिसी है। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया मैम इसको है? यस सर। मैम जैसे अभी ये स्टार्ट है तो कोई ना कोई प्रोसेस अभी बना ही नहीं है, कितने टाइम से स्टार्ट है वैसे?
सर 2019 से हमारा पॉलिसी लॉन्च हुआ था, बट बीच में लॉकडाउन चल रहा था, इसकी वजह से प्रोसेस अपडेट नहीं हुआ है। अभी उसके ऊपर वर्क चल रहा है, नवंबर तक कंप्लीट होगा और डिटेल्स अपडेट होंगे, आने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है मैम, ये तो खैर देखो गवर्नमेंट की भी थोड़ी यहाँ पे हम लूज पॉइंट आप मान रहे हो ना, क्योंकि कोई भी चीज होगी स्टार्ट करने से पहले उसका बंद का प्रोसेस बनाना चाहिए, बंद भी तो करवा, मान लो किसी की इमरजेंसी में अगर नहीं करवा रहा, करवाना चाह रहा कोई अपने केस, टाइम टू टाइम इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से उसके अकाउंट से कट रही है ना, कोई और चीज का पैसा रखा हो वो वाला पैसा उसका कट हो रहा है, तो कोई ना कोई तो सिस्टम हम समझ सकते हैं आपको, बट जैसे डिटेल्स आएंगे तभी आपकी सहायता हम कर पाएंगे, माफी चाहेंगे। ठीक है, मतलब अभी कोई प्रोसेस नहीं है इसका करने का मैम, माफी चाहते जी सर। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। तो बात सिर्फ इतनी सी थी भाई साहब, आपने ये वीडियो देखा, मतलब ऐसा है कि कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन उसको बंद करने का भी तो प्रोसेस बनाना जरूरी है ना। अब मान लो किसी ने गलती से कोई भी स्कीम एक्टिवेट हो जाती है, किसी के मोबाइल से कोई भी स्कीम एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको बंद करने का भी प्रोसेस होना जरूरी है भाई साहब, मान रहे हो ना। किसी का पैसा कट रहा है, यहां बंद करने का कोई स्कीम ही नहीं है, बंद करने का कोई प्लान ही नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं है, क्या स्कीम है यार ये, समझ नहीं आई मेरे को। तो किसी के अगर आपके बैंक से पैसा कट रहा है, सपोज करो आपके बैंक से पैसा कट रहा है, आपको कितना दुख होएगा। हमें नहीं चाहिए यार ये वाली स्कीम, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कौन इंतजार करेगा 60 साल। आज के टाइम में अगर किसी की जिंदगी 60 साल पकड़ जाती है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आने वाले टाइम में देख लेना आप, आने वाले टाइम में 40-50-55 साल तक की ही एज होएगी इंसान की। अब 60 साल के बाद हम पेंशन लेंगे यार, हमारा पैसा क्यों कट रहा है। अब ये चीज़ तो खैर सरकार को देखनी चाहिए ना, जो स्कीम चला दी तो उसको बंद करने का भी प्रोसेस होना चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी सी थी। हाँ, इसका है प्रोसेस, इनको नहीं पता, वो एक क्रैक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्रैक है। तो आपका यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।